हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? हाँ सभी को गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? चेक करो आवाज मेरा ओके है। किसका बर्थडे? मणि का। अच्छा आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मना रहे हैं अपने। सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो। और काफी अच्छे से क्वेश्चन है, थोड़े टफ भी है थोड़े आसान भी है। चलो जी शुरू करते हैं। और पहला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है ये पेपर में अभी पंजाब स्टेट के पेपर में आए क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पाइसेज इज पॉपुलरली नोन एज, किस नाम से जानते हैं? बासेल कन्वेंशन के नाम से, मिनीमाता कन्वेंशन, बोन कन्वेंशन या नन ऑफ दीज? गुड इवनिंग सभी को। सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो। पहले बोन आंसर आया, बोन बोन कहां पे पड़ता है पहले ये भी बताओ मेरे को। हाँ जी सी आंसर आया, सी सी। रानी का, जोगराज, जसप्रीत, पूजा, सोनिया, मणि, नेहा, मनदीप, रशिका, कमलप्रीत, मेहनाज, सभी का आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो। क्या होगा सर? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बोन करने से बोन कहाँ पे पड़ता है? जर्मनी में। और ये किसके द्वारा होता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं अपने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पाइसीज। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन डील विद कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? रामसर कन्वेंशन आपने सुना होगा नाम तो रामसर का, ये किससे रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन आंसर आ रहा है वेटलैंड। वेटलैंड देखो क्वेश्चन बहुत शानदार वाले हैं। जीवन कौर गुड इवनिंग सभी को। सारे क्लास को लाइक और शेयर कर दो। आंसर आ रहा है, सत श्रीकाल सर जी, सत श्रीकाल मोहनदीप, सत श्रीकाल। रामसर कन्वेंशन आप बताए 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक जगह उससे रिलेटेड थे। तो ये क्या आएगा? ये आएगा वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या आएगा? आंसर नंबर ए आएगा। क्या आएगा सर? एक नंबर आंसर है। 2 फरवरी को अपने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और भारत में वर्तमान वेटलैंड साइट कितनी है? टोटल 80 है। सबसे अधिक कहां पे है? 14 और 2 16 तमिलनाडु में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर एक नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है विच एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर इन्फॉर्मेशन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन वाटर कंजप्टेड बाय इंडस्ट्रीज। कहता है उद्योग द्वारा खपत किए जाने वाले पानी के टैक्स लगाने और उगराही करने लिए केड़ा कानून प्रबंध करता है? कौन सा कानून है? पहला है वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सेस एक्ट 1977, दूसरा पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, तीसरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या चौथा है वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। कौन सा एक्ट आएगा इसमें से? सर 10 दिन का प्लान कब से शुरू होगा? प्लान शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है। आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, डी 1974 डी आंसर आ रहा है। डी सारे बच्चे डी के साथ जा रहे हैं। हाँ जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राइट आंसर क्या आएगा? जिन जिन बच्चों ने आंसर डी दिया अपने लिए सारे क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि डी आंसर हमारा क्या हो गया? गलत आंसर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि डी में तो बना था, लागू कब हुआ था? तो आंसर हमारा यही तो पूछा गया था ऊपर, तो आंसर 1977 आएगा। ए नंबर जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल है राइट आंसर आया है। क्या आएगा? ए नंबर आंसर, हाँ ए जो है वो राइट आंसर है। कोई बात नहीं, डी दिया तो धीरे धीरे सीखेंगे अपने, है ना। हाँ पहली बार में सीढ़ियों पे नहीं चढ़ेंगे, धीरे धीरे चढ़ेंगे। चलो जी चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल टारगेट ऑफ द नेशनल सोलर मिशन वाज टू इंस्टॉल हाउ मेनी ऑफ सोलर पावर
बाय 2022। कहता है 2022 तक जो इनिशियल टारगेट रखा गया था सोलर का वो कितने GW का रखा, गीगावाट का? 3520-50। जल्दी करो शाबाश, क्या आंसर? 35 आंसर आ, 35-35, एक नंबर भी आंसर आ रहा है, 35 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए भी आंसर आ रहा है, किसी का सी नहीं आ रहा है? सी, प्लीज जूम होर कट कर दो, वही करीब पे ही है। अच्छा, ज्यादा कर दिया क्या? ओके, तो बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, 100 आंसर आ, 100 भी आंसर आ, 100, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले तो वो बच्चे देखो, जो बच्चे ने 50 आंसर दिया वो क्या बिल्कुल है, गलत है। क्या है वो सर? बिल्कुल गलत है। जिन बच्चों ने आंसर दिया 100, वो तो 100 में से 100% क्या हो गए, गलत हो गए। क्या हो गए? गलत हो गए। अब जिस बच्चे ने आंसर 35 दिया वो भी तो क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि आंसर क्या आएगा? चंपू आएगा, सी आएगा। क्या आएगा? सी आंसर है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दो। सी जो है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, 20 GW। GW क्या होता है सर? गीगावाट। पेपर में अपने को लगता है यही सही है, यही सही है, लेकिन जब अपने फाइनल आंसर की आती है ना, तब अपने पता लगता है कि सही क्या और गलत है क्या है। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा सी नंबर ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल कई बच्चे कह रहे थे गुरुजी क्वेश्चन बड़े जमा आसान आसान लेके आए हो, आज देख लो फिर आप। What percentage of reduction in the global greenhouse gas emission is needed by 2023 from 2010 level to keep global warming no more than 1.5 degree centigrade? कहता है कितना परसेंट तक कम कर देना चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5% से ज्यादा ना हो, 35%, 45%, 65% या 70%? और फिर कह रहा हूं अपने दिमाग से आंसर दो, किसी को कंट्रोल प्लस पी सी नहीं मत करो, ठीक है? अपना दिमाग लगाओ, आप क्या आंसर आ सकता है। 45 आ रहा है, 45, 70 भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी लो करके लुक जो जी। ओके, आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। क्या गलत आंसर है डी? तो डी क्या होगा, 100 में से 100% क्या होगा, गलत आंसर होगा, ठीक है? बात करें अगर सी की तो सी भी क्या है, गलत आंसर है, क्योंकि राइट आंसर तुम्हारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 45%। क्या आएगा? 45% जो आंसर है हमारा, बी आंसर है वो बिल्कुल है, 100 में से 100% राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन को लॉक कर दिया और बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ COP28? COP28 कहां पर आयोजित किया गया? COP28 कहां पे? UAE में। देखो कोप क्या था, सबसे पहले आपको याद रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं कोप को, और सबसे पहले ये सम्मेलन हुआ था 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। कहां पे हुआ था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। 2024 में ये कहां पे होगा, जो 29 नंबर का होगा, ये होगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में। 2025 में जो 30 नंबर का होगा, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि 30वां कहां पे होगा, जो 30वें नंबर का है वो कहां पर होगा? खाता खुल गया, चलो बहुत ही बढ़िया बात है।
और जो कोप 2030 वाला होगा वो होगा कहां पे, एक जगह ब्लेम, ब्लेम कहां पे है, ब्लेम ब्राजील में है। कहां पे है, ब्राजील में। जोगराज सिंह, वाह यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर द किगाली अमेंडमेंट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शुड बी फेस डाउन बाय 2050। कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अधीन किगाली शोध के अनुसार 2050 तक हेठ लिखे हुए जो केड़ी गैसा नु पना अवार घटाया जाना चाहिए है। आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, सी के साथ ज्यादा जा रहे हैं। ए भी आ गया, देखो क्या बात है, ए भी कल ए आ रहा है, ए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोकार्बन और फ्लोरोकार्बन। आंसर क्या आएगा हमारा, सी नंबर आएगा, क्या आएगा, सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी क्या आएगा, सी लगभग आंसर क्या है, सी आया सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे है, द केनिया केनियन गवर्नमेंट इन जुलाई 2023 होस्टेड द 59 सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किससे रिलेटेड हुआ था केनिया के अंदर। गुरसिम सिंह कह रहे सर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, बिल्कुल 1987 में हुआ लेकिन इंप्लीमेंट किया गया 1989 में। ओजोन नहीं आएगा सर, ओजोन नहीं आएगा जी। आंसर क्या आना है, आंसर आना है ए नंबर, क्या आना है, ए नंबर राइट आंसर होगा, आईपीसीसी, क्या आएगा, आईपीसीसी, इंटर को गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज डज नॉट अलाउ ह्यूमन एक्टिविटी। कहता है बायोस्फीयर रिजर्व दे हेठले खेत्र विचो केड़ा खेत्र जिथे मनुखी गतिविधियां नु इजाजत नहीं दिंदा, कोर जोन, बफर जोन, रीस्टोरेशन जोन और रिक्लेमेशन जोन। ये आपको करवाया है, जल्दी से जल्दी आंसर दो क्या आना है। देखो चार तीन जोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपने पास कोर जोन, एक होता है बफर जोन, ये अपने जब बायोस्फीयर करते हैं उसमें आता है, और तीसरा इसमें होता है अपने पास रीस्टोरेशन जोन। तो कोर जोन में किसी भी प्रकार के ह्यूमन को अलाउ नहीं किया जाता है, कोर जोन में किसी प्रकार के ह्यूमन को अलाउ नहीं किया जाता है। बफर जोन में क्या होता है, बफर जोन में बिल्कुल थोड़ी सी क्या होती है, छूट दी जाती है, कोर से क्या छूट दी जाती है। और जो तीसरा रिस्टोरेशन जोन है, यहाँ पे आप अपनी सेल्फी वगैरह करवा सकते हो, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, किसी के साथ भी आपका मन करे आप सेल्फी करवा सकते हो, है। तो आंसर सी आएगा, लेकिन एक ध्यान रखना, आधार कार्ड लेके जाना साथ में अगर सेल्फी करवानी हो जहां पे जाके आपने, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या आएगा सर, कोर जोन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। शाबाश, किस किस का सही आया, एक बार थम्सअप करो मुझे पता लगे कि किस किस का कोर जोन आया है।
चला गया, चलो अगला कहता है प्रोजेक्ट टाइगर डील विद द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है प्रोजेक्ट टाइगर जो डील है वो किससे रिलेटेड है, जुलाई को टाइगर डे बनाते हैं इंडिया में, 3167 टाइगर है, सबसे अधिक 785 एमपी में है, बहुत बढ़िया। आंसर डी आ रहा है, सारों का डी आ रहा है, क्या आंसर है डी, क्या ऑप्शन आ रहा है, आंसर नंबर है ऑप्शन क्या आ रहा है डी नंबर। कल आप सो कह रहे हो उसी टाइप से हैं, जल्दी बताओ शाबाश क्या आंसर आना है। हां जी वेस्टर्न घाट आ रहा है, वेस्टर्न घाट, बहुत बढ़िया शाबाश। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे होप स्पॉट है न कि यहाँ पे हॉट स्पॉट है, हॉट में और होप में बहुत फर्क होता है, हॉट होता है गर्म और होप होता है उम्मीद, जहां पे आपको किसी से उम्मीद हो है? हाँ तो इसका जो राइट आंसर वो आएगा हमारे पास, जो बच्चे वेस्टर्न घाट दे रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको अपने हॉट स्टॉप हॉट स्पॉट बोलते हैं, जो भारत में चार जगह है ठीक है, लेकिन आंसर इसका जो सही आएगा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आएगा, और इसके साथ कंसीडर करते हैं अपने लक्षद्वीप को। किसको कंसीडर करते हैं, लक्षद्वीप को करते हैं ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है। किस किस का आया, किसी का ए, नेक्स्ट देखो, वेन इंडस्ट्री विल रेड कैटेगरी इज टू बी एस्टेब्लिश इट इज नेसेसरी टू हैव पब्लिक हियरिंग और इंक्वायरी अंडर द प्रोसीजर कॉलेज। कहता है जब कोई भी इंडस्ट्री है वो रेड कैटेगरी में आ जाती है तो उसको अपने किस नाम से जाना जाता है,
क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या आएगा? बी जो सही आंसर हो जाएगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस बोलते हैं। इन विच कंट्री ओलंपिक 2024 विल बी हेल्ड, कहता है 2024 में ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे? पेरिस फ्रांस में, मिलान इटली में, लॉस एंजलिस यूएसए में, टोक्यो जापान में। सर बोलो, आप साइलेंट हो गए ज्योग्राफी, मैं वेट करता हूं कि आप आंसर दो। हैं, हाँ आप भी तो आंसर दो। कल कई कह रहे गुरुजी बड़ा चंपू क्वेश्चन लेके आए हो, आज आप देख लो। तो इसका देखो राइट, देखो 2020 में तो क्या हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था। चलो इसको यहां सेट कर देते हैं, ठीक है। 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। यहां पे क्या होगा, 2026 में विंटर ओलंपिक होगा। अब आपके सामने ऑप्शन एक ही बचता है, इसको लॉक करो, पेरिस। क्या आएगा? पेरिस। सर जी इन्हानू दसो कि कल वाले क्वेश्चन का आंसर जम्मू कश्मीर आऊगा। मैं 10 तो दिया, बाकी अगर कोई कहेगा घर पे आके 10 ना तो फिर और घर पे आके 10 देते हैं, हैं? हाँ, और 2032 वाला और लिखवा दें, 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। कहां पे होगा? ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं इसरो ने लॉन्च किया है 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट है? चंद्रयान 3 था, आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट था, कोसमोस 2573 था, या फिर एक्सपोसेट था? हाँ जी, उनता सही होने लगे, थैंक यू गॉड। हाँ, 1 जनवरी 2024 को कौन सा लॉन्च किया गया? आदित्य L1 तो सितंबर में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। इसका आंसर आएगा एक्सपोसेट। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डांडिया। डांडिया डांस कहां का है? गुजरात का। अगला देखो, गोल्डमैन अवार्ड दिया जाता है। गोल्डमैन अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, कौन सी फील्ड में अच्छा काम करने पर गोल्डमैन अवार्ड दिया जाता है? सर TCS लेवल दे क्वेश्चन करवा दो, मीत जी और क्या करवा रहे हैं बताओ तो सर मुझे। सर मुझे चाहिए ये वाली न्यू सर्विस घर वाली। ओके सर, वुलर लेक कितने है? जम्मू कश्मीर में है। पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर साइंस या फिर ऑप्शन है अपने पास एनर्जी या एनवायरनमेंट, तो आपको बताइए। गोल्ड, ये नाम गोल्डमैन जो अवार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और ये डी ऑप्शन हमारा सही आएगा। किसके लिए दिया जाता है? एनवायरनमेंट के लिए। सारे के सारे एक बार बता दो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, देखते किसका गलत होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन वुमेन्स हॉकी इन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023? कहता है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 विच हेट दिते विचो किस देश ने महिला हॉकी का खिताब जीता? इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया।
सर गोल्डन लंगूर कितों का स्टेट एनिमल है? कहीं का नहीं है, मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है गोल्डन लंगूर। गंगदीप सिंह जी वेरी गुड, बहुत अच्छा टेस्ट ले रहे हो आप तो हैं। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास, इंडिया ने किसकी बाटी मांझी? जापान। तो इंडिया हमारा राइट आंसर क्या आएगा? इंडिया, और कैप्टन थी स्विता पूनिया। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू हैव ए वुमेन चीफ मिनिस्टर? कहते हैं इनमें से कौन सा भारतीय स्टेट ऐसा है जहां पर पहली, एक बार क्या रही है, पहली महिला मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश, एमपी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को, फटाफट से लाइक करो पहले तो। हाँ लो जी, यूपी आ रहा है। हाँ जी, क्या आएगा? यूपी आएगा। क्या आएगा? यूपी। उत्तर प्रदेश, एक कमेंट करना, पीछे नीचे करना, सर तुसी तो की लिखा है। सर तुसी तो इवनिंग विश भी नहीं करते, इन्ना इग्नोर, मेरे मैसेज पढ़ा नहीं होगा। बाकी मैं तो सबको पहले आते ही गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ बुलाते हैं। हैं? तो ये क्या होगा इसका, अपने पास राइट आंसर क्या आएगा? यूपी आएगा, और वो कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। तब तक आप बताओ पंजाब की पहली महिला सीएम कौन थी? कृपलानी। ये तो होगी सुचेता कृपलानी। और अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। चले चलो अगला क्वेश्चन देखो, सबसे शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आंसर क्या आएगा? आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क आएगा। ये सारे के सारे आगे देखो हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? असम में है। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार पेपर वाला भी किसके बिना नहीं रह सकता? नेशनल पार्क के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ अगला देखो, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस द पीएम जनमन स्कीम? इनमें से कौन से मंत्रालय ने पीएम जनमन स्कीम शुरू की है? आंसर आ डी, और बी भी आ रहा, रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। जिस बच्चे ने भी आंसर क्या दिया, आंसर देखो, जिस आंसर दिया बी बड़े के साथ गया वो तो गोल हो गया, और जिसने रूरल डेवलपमेंट दिया वो भी कोई बात नहीं, हंसने वाली इमोजी भेज सकते हो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है। पीएम जनमन योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा शुरू की गई। तो आंसर हमारा क्या सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। ठीक है चलो, Which Indian city was sadly declared the city of music by UNESCO? UNESCO द्वारा भारत की किस सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना गया है? हाँ आज वाले क्वेश्चन का पता लगा लेवल का?
वाराणसी आंसर दिया निशानप्रीत ने, बाकी सारे ग्वालियर दे रहे हैं है? तो राइट आंसर मार क्या आएगा, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर से, क्योंकि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और यहां से बीरबल के जो नवरत्न थे उनमें से एक था तानसेन। तो तानसेन जो सरकार अवार्ड है वो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ग्वालियर आएगा। वाराणसी को अपने सेट तो कर देंगे, लेकिन यहां पर ये आता ना क्वेश्चन कि SCO द्वारा कल्चरल कैपिटल किसको घोषित किया गया, तब अपने आंसर क्या आता, तब अपने वाराणसी, क्योंकि जिसने वाराणसी दिया उसको भी नाराज नहीं करेंगे, उसका भी यहां पर क्वेश्चन बना दिया अपने, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, अलग अलग च्वाइस होती है। अब जिसने वाराणसी दिया वो भी तो खुश हो गया ना, क्योंकि उसको अपने क्या बना दिया, SCO द्वारा कल्चरल कैपिटल घोषित कर दिया, किसी को भी नाराज नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर अगला, विष्णुदेव साई इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट, कहता है विष्णुदेव साई कौन से राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। हाँ जी, बस आप लाइक वाली संख्या बढ़ाते रहो फटाफट से। MP के आए क्या आया है, मोहन यादव। देखो निशानप्रीत खुश हो गए ना, बोलते गुरु जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साथ में इन्होंने तो गुलदस्ते भेज दिए। कहां के, मध्य प्रदेश के, तो मैं से मध्य प्रदेश मैं से मोहन लाल यादव। राजस्थान, राजस्थान के थे भजन लाल। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई। अब बचता है मिजोरम, जल्दी से जल्दी बता दो मिजोरम के वर्तमान कौन है। चलो जी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच एशियन कंट्री हैज सैडली लॉन्च इट्स ओवन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, कहता केड़े एशियाई देश ने हाल ही अपनी जंगल अते लकड़ियां दी प्रमाणीकरण योजना शुरू की है। किसने शुरू की है, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर जापान। आंसर क्या आएगा, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। ऑन विच डे इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दस दिसंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, दो को कंप्यूटर लिटरेसी डे, तीन को दिव्यांग दिवस, चार को नेवी डे, इसके बाद छह को महापरिनिर्वाण दिवस, नौ को इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, दस को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, और 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को अपने क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं, 22 को किसान दिवस, 23 को गणित दिवस, 24 को नेशनल कंज्यूमर राइट डे, 25 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे गुड गवर्नेंस डे के रूप में, 26 दिसंबर को अपने कौन सा डे मनाते हैं, कमेंट करो। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, कहता है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। हाँ जी सर, सेफ फॉर इंटरनेट डे कब मनाते हैं, 6 फरवरी होगा, ऑप्शन में अगर है तो लॉक कर देना, ठीक है।
फरवरी को मनाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, जेवलियन थ्रो आएगा। जेवलियन थ्रो डे कब मनाया जाता है ये आप बता दो कमेंट करके। अटल टनल द वर्ल्ड इज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कनेक्ट मनाली विद, मनाली को किससे जोड़ता है, कुल्लू से, शिमला से, जम्मू से या लाहौल स्पीति से है? अटल टनल किसको किससे जोड़ता है, कुल्लू को मनाली से जोड़ता है, कुल्लू को मनाली से अटल टनल नहीं जोड़ता, बिल्कुल सही है सभी का आपका, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आएगा डी ऑप्शन। और ये 9.02 किलोमीटर लंबी और 10,000 से भी हाईएस्ट हाइट पे बनी हुई टनल है। आंसर क्या आएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, वो इज द फर्स्ट तेलुगु एक्टर टू विन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। कहता है नेशनल, अगर कौन सा तेलुगु एक्टर है जिन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, रामचरण या प्रभास? और कौन सी मूवी थी, अल्लू अर्जुन आ रहा है, अल्लू 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 अर्जुन हमारे क्या होगा राइट आंसर होगा। अल्लू अर्जुन मूवी थी पुष्पा द राइज। नेक्स्ट देखो, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से किस व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मनीषा ने आंसर दिया 69th में सर रणवीर कपूर, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। और अभी आज दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। सर मैं गई हूँ अटल टनल में, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वापस भी आगे जाके। पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसे करके है ना। जॉन मेकार्थी आंसर आ रहा है, जॉन मेकार्थी। क्या आएगा, जॉन मेकार्थी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जॉन मेकार्थी। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन डाल दिया, चलो बता दो, वैसे अपने काम का नहीं है ये, अलग सब्जेक्ट का, ये अपने काम का नहीं है, वैसे बता दो चलो। वैसे पढ़ा, दसवीं क्लास में पढ़ा होगा, आपको पता लग ही जाएगा सोनू क्या आंसर रहेगा। तीन नंबर के साथ सोनू कह रहा, तीन नंबर, सोनू की थोड़ी साइंस वैसे स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, सी सही है, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी फॉर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली हमने। तब 10 डे हार्ड चैलेंज की तो मंजूर है, अगर मंजूर है तो यस लिखो फटाफट से। हाँ जी, और जो बच्चों अभी आए हैं जुड़े हैं फटाफट से एक बार लाइक वाला बटन, सारे के सारे लाइक वाला बटन दबा दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। फाउंडेशन सिलेबस बैच अपना 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है फॉर ऑल पंजाब स्टेट एग्जाम के लिए, वैलिडिटी इसकी 6 मंथ की रहने वाली है, छूट आपको मिल जाएगी, कूपन कोड आप लगा लेना AC397। और जितने भी है आप चाहते गुरु जी जो क्वेश्चन करा रहे उनको हमारे को एक साथ एक PDF या बुक के रूप में मिल जाए तो आप ये कूपन कोड लगा लो, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे डायरेक्ट मिल जाएंगे। फाउंडेशन सिलेबस बैच ऑफलाइन बैच ये भी स्टार्ट, इसमें आप सीट भी बुक पहले करवा सकते हो ₹1250 में, लेकिन आप जो कूपन कोड AC397 लगा लोगे तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी और ये आपका कोर्स आपको ₹2000 कम से कम सस्ता रह जाएगा ऑफलाइन कोर्स के लिए। एडवांस टेस्ट बैच ठीक है,
टेस्ट बैच की एक मंथ की फीस आपके लिए 1000 रुपये रहेगी, 5000 रुपये आप अगर इसकी मेंबरशिप लेते हो एक साल के लिए, और आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, आपको ये पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे, प्लस 5100 का आपको क्या मिल जाएगा, प्राइज ही मिल जाएगा। ठीक है, एडवांस टेस्ट बैच इसकी फीस है तो एक मंथ की कितनी रहने वाली है, 1000। बेसिक टेस्ट बैच की फीस भी 1000। न्यू ऑफलाइन ऑफिसर बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो, बुक योर सीट फॉर ऑनलाइन बैच एंड गेट 5000 रुपए की आपको इसमें छूट मिल जाएगी। कूपन कोड आपने एक यूज करना है, AC397। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ऐप में हाजिरी लगानी है फटाफट से, सारे बच्चों ने जितना जल्दी हो सके अपनी अटेंडेंस लगानी है जल्दी से जल्दी। किसी को रोल नंबर नहीं मिला तो बता देना, क्योंकि बिना अटेंडेंस के फिर आपको प्राइज वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। करना क्या, रोड क्लास से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, सर्च योर फेवरेट कोर्स में जाना है, आपसे पूछे हैव कूपन कोड, आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है AC397। जो आईफोन यूजर है डाउनलोड करें माई इंस्टीट्यूट फिल ORG कोड ARC, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए गए 2 नंबरों पे कॉल है कर सकते हो। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।